उज्जैन की चिंता खत्म हो गई, जहां गंबे डैम का गेट नंबर 3 खोला गया। 15 दिन पहले डैम में 400 MCFT पानी बचा हुआ था, अब 2250 से ऊपर पहुंच गया है। 15 दिन पहले गंबे डैम में नाम मात्र का पानी भरा हुआ था। पीएचई अफसरों के साथ शहरवासी भी संभावित पेयजल संकट की समस्या को लेकर चिंतित थे। वहीं आस लगाए बैठे थे कि किसी भी तरह डैम भर जाए ताकि पेयजल का भीषण संकट खड़ा ना हो। आज सुबह की पहली किरण सभी लोगों के लिए खुशियां लेकर आई। जहां गंबे डैम अपनी पूरी क्षमता से भर गया, वहीं स्थिति यह बनी कि एक गेट पहले 1 मीटर वहीं फिर बढ़ाकर 1.5 मीटर तक खोलना पड़ा। 15 दिन पहले गंबे डैम में नाम मात्र का पानी भरा हुआ था। पीएचई अफसरों के साथ शहरवासी भी संभावित पेयजल संकट की समस्या को लेकर चिंतित थे। आस लगाए बैठे थे कि किसी भी तरह डैम भर जाए ताकि पेयजल का भीषण संकट खड़ा ना हो। आज सुबह की पहली किरण सभी लोगों के लिए खुशियां लेकर आई। गंबे डैम अपनी पूरी क्षमता से भरा, वहीं स्थिति यह बनी कि एक गेट पहले 1 मीटर वहीं फिर बढ़ाकर 1.5 मीटर तक खुलना पड़ा। एक दिन पहले गुरुवार को गंबे डैम में 85% पानी स्टोर हो चुका था। पीएचई अफसरों द्वारा डैम को पूरी क्षमता के साथ भरने की संभावना जताई जा रही थी। उपयंत्री राजीव शुक्ला ने बताया कि रात करीब 1 बजे यशवंत सागर का एक गेट 5 फीट खोला गया था। इसके अलावा गंभीर के कैचमेंट एरिया में रात 11 से लेकर 12:30 बजे तक झमाझम बारिश हुई। यशवंत सागर का रात में खुला गेट सुबह 6 बजे तक खुला रहा। एक साथ दो तरफ से गंबे डैम में पानी स्टोर होना शुरू हुआ। सुबह करीब 6:45 बजे तक डैम पूरी क्षमता से भरा। स्थिति यह बनी कि एक गेट को 1 मीटर तक खोलना पड़ा, लेकिन पानी की आवक तेज होने के कारण एक गेट सुबह 9 बजे 1.5 मीटर और उसके बाद उसी गेट को 2 मीटर तक खोलना पड़ा। गंभीर डैम 2250 MCFT क्षमता का है और इसमें आज से करीब 17-18 दिन पहले तक स्टोरेज का मात्र 400 MCFT पानी बचा रह गया था और लगभग शहर जल संकट के मुहाने पर ही खड़ा हुआ था। लेकिन जब से जो बारिश का दौर चालू हुआ और थोड़ा थोड़ा करके पानी डैम में आने लगा और विगत 10 दिन से तो यशवंत सागर इंदौर के डैम के गेट लगातार खुलने से हमको रोज कम से कम 100 से 150 MCFT पानी की वृद्धि प्रतिदिन हो रही थी, जो कल रात्रि तक हमारे पास में लगभग 1900 MCFT आ गया था। और कल रात्रि के कैचमेंट एरिया में, अपने गंभीर के कैचमेंट एरिया में भी बहुत अच्छी बारिश हुई। प्लस इसके अलावा यशवंत सागर का एक गेट भी 5 फीट खोला गया रात के 1 बजे से, और सुबह 6 बजे तक लगातार पानी का प्रवाह रहा, उसके कारण ये स्थिति बनी कि गंभीर डैम के गेट भी खोलना पड़े।